कल ये टावर को तबाह किया गया, ढाया गया और मलबा भी गिरा, तो आज की क्या तस्वीरें हैं? क्या लोग वापस आने शुरू हो चुके हैं? देखिए, इस वक्त मैं उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हूं जहां पर इस ट्विन टावर को ढाया गया था। ये सुपर टेक की जो सोसाइटी है, एम्ब्रेड कोर्ट सोसाइटी है, इसी सोसाइटी के जो पार्क का एरिया था वहीं पे जो डेवलपर है उसने अवैध रूप से भ्रष्टाचार कर भ्रष्टाचार की नींव पर इमारत को खड़ा किया। लेकिन जब सोसाइटी के लोगों ने करीब सालों की जो मशक्कत थी, सालों की केस था, सालों की लड़ाई थी जो लड़ी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली सोसाइटी को, और इसके बाद दो साल के बाद कल यानी जो संडे को 2:30 बजे उस इमारत को, जो ट्विन टावर थी, उसको गिराया गया। हालांकि अगर लोगों की अगर बात करूं तो कल सुबह 7 बजे ही सोसाइटी से लोगों को बाहर भेज दिया गया था, लेकिन अब शाम को 5 बजे के बाद सोसाइटी में लोग वापस आ गए हैं और अभी कुछ और लोगों का लगातार आना यहां पर जारी है। लोगों का यह कहना है कि लंबी लड़ाई लड़ी गई, बड़ा जो डेवलपर था और उसके खिलाफ लड़ाई उन्होंने जीती, पहले हाईकोर्ट में जीती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जीती, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतने के बाद 2 साल लग गए इस ट्विन टावर को ध्वस्त कराने में, और आखिरकार संडे को यानी कल रविवार को वो घड़ी आ गई जब इस ट्विन टावर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस सोसाइटी के बिल्कुल साथ में एटीएस सोसाइटी है, उसकी दीवार को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन इस सोसाइटी में जहां पर ये ट्विन टावर ढाया गया था वहां पर लोगों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, और ये सबसे बड़ी राहत वाली बात है कि इस ट्विन टावर को ना सिर्फ ढाया गया बल्कि किसी भी शख्स को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुई। हालांकि अगर मैं सड़कों की अगर बात करूं, सड़कों पर अभी भी धूल मिट्टी जमा हुई है। प्रशासन निगम या अगर अथॉरिटी की मैं अगर बात करूं तो लगातार छिड़काव किया जा रहा है, निगम के लोग लगातार सड़कों पे जो साफ सफाई कर रहे हैं, और इस ट्विन टावर के जो मलबा है जो कल गिराया गया था, इसका मलबा जो है उसको हटाने के लिए कई जेसीबी मशीनों को यहां पर लाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है करीब 2 से 3 महीने का, कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा इस पूरे मलबे को यहां से हटाने को लेकर, और जब जब ये मलबा हटाया जाएगा तो उसके बाद पानी डाला जाएगा ताकि जब मलबा हटाया जाए तो वो धूल ना उड़े, हवा में ना उड़ के लोगों को परेशान ना करे। इसके लिए मलबा उठाने से पहले उस पर पानी डाला जाएगा और उसके बाद मलबे को यहां से उठाया जाएगा। करीब 3 महीने का वक्त लगेगा, और अगर लोगों की बात करूं तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, लोग लगातार यहां पर वापस अपने घरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग जो है कल शाम 5 बजे के बाद लोगों को अंदर अलाउ कर दिया था अपने घरों में वापस जाने को लेकर, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं आए थे जो आज सुबह लगातार उन लोगों का वापस अपने घर की ओर रुख करना जारी है। रजनीश जी, 3700 किलो बारूद के साथ टावर को तबाह किया गया, तो जाहिर है कि बड़ी गिनती में धूल आसमान में फैली, तो कोई तमाम वर्ग के लोग उस सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या कोई खास एडवाइजरी अभी भी जारी की गई है कि कैसे रहना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है? देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई, लेकिन लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने एहतियातन अपने घरों के बाहर जो है पॉलिथीन की एक शीट लगा दी है, कई लोगों ने टेंट लगा दिया था, कई लोगों ने कई कपड़ों से ढक दिया था ताकि जब ट्विन टावर्स का मलबा जो मैं यहां पे उस समय मौजूद था जब इस ट्विन टावर को ढहाया गया था 2:30 बजे, उस समय 2:30 बजे के बाद तकरीबन आधे घंटे तक पूरे एरिए में काफी ज्यादा धूल और जो इस ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा बहुत ज्यादा यहां पर फैल गया है, धूल के काफी ज्यादा कण थे, बारूद के काफी ज्यादा कण थे, लेकिन चूंकि हवा बहुत तेज थी इसीलिए पूरा का पूरा जो डस्ट है, जो प्रदूषण था, वो पूरा का पूरा तकरीबन आधे घंटे में यहां से निकल गया। लेकिन इसके बाद बावजूद भी जो सड़कों पे जो मिट्टी जमा हो गई थी या जो जहां पे ट्विन टावर को ढाया गया था उसकी सोसाइटी में जो मिट्टी जमा हो गई थी रोड पे, वो जैसे जैसे हल्की हल्की हवा चलती है तो वो उड़ती है, तो उसी से बचने के लिए लोगों ने यहां पर अपने अपने घरों के बाहर ना सिर्फ प्लास्टिक की शीट्स पॉलिथीन लगा दिए ताकि वो मिट्टी घर के अंदर ना जाए, और अपने अपने घर की जो बालकनियां हैं उसे पूरी तरीके से कवर कर लिया ताकि किसी भी तरीके से प्रदूषण घर के अंदर ना जाए, क्योंकि सरकार और प्रशासन का यह कहना है कि अभी इस मलबे को हटने में और ये जो धूल उड़ रही है इसको उड़ने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, 3 महीने का ये वक्त बताया गया है। 3 महीने में जब मलबा पूरी तरीके से हट जाएगा तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो धूल मिट्टी सड़कों पे या सोसाइटीज के अंदर जो फैली हुई थी
उससे लोगों को राहत मिल सकेगी। जी देखिए, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर सोसाइटी के लोगों ने ये लड़ाई जीती है, तो आपने लोगों से बात की, लोगों में कैसा उत्साह है या कैसी भावनाएं हैं लोगों की? देखिए, मेरी अभी सुबह से ही मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और लोगों ने कल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं कल का नज़ारा की आपको बताता हूँ। यहाँ पे लोगों के लोग ढोल बजा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जिसके बाद उस लड़ाई में जीत भी हासिल की लोगों ने। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी लोग काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। लोगों का ये कहना है कि जो ट्विन टावर थे, ये जैसे रावण और कुंभकर्ण का रूप होते हैं, उसी तरीके से उनके जीवन में एक रावण और कुंभकर्ण के तौर पे यहाँ पर जो है वो खड़े किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत होती है, उसी तरीके से संडे को, रविवार को इन ट्विन टावर को ढहाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो साल लग गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ट्विन टावर को ढहाया गया। काफी ज्यादा खुशी है क्योंकि जिस एरिया में वो ट्विन टावर बनाया गया था वो एक पार्क की जगह थी। बिल्डर ने लोगों को ये कह के यहाँ पे सोसाइटीज में मकान बेचे थे कि इस जगह पर हम पार्क बनाएंगे ताकि बच्चे जो है वो वहाँ पे खेल सके, ग्रीन एरिया होगा ये। लेकिन जैसे 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 वक्त बीता, इन यहाँ की जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े तो डेवलपर के मन में लालच आ गया, जिसके बाद उसने उस जगह को पार्क नहीं बनाया गया, पार्क डेवलप नहीं किया, बल्कि वहाँ पर कई जो है वो दो ट्विन टावर को वहाँ पे खड़ा कर दिया। और जिनकी लंबाई, एक ट्विन टावर की जो लंबाई थी वो 100 मीटर थी, जबकि दूसरे की लंबाई 97 मीटर थी उस ट्विन टावर की लंबाई। और जैसे जैसे वो ट्विन टावर ढहे तो पूरे एरिया में काफी ज्यादा जो है वो लोगों में खुशी का माहौल था, लोग हूटिंग कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। जी तो क्या अभी भी सुरक्षा के एहतियातन अभी भी कोई सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात है, पुलिस तैनात है वहाँ पे? देखिए, सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो आप सामने देख सकते हैं कि सामने बैरिकेटिंग की रखी है और पुलिस भी यहां पर लगातार गश्त कर रही है, पुलिस यहां पर बैठी हुई है। पुलिस किसी को भी, चाहे वो कोई आमजन हो या कोई मीडिया का कर्मी हो, आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं इस पूरे एरिया की, तो इस पूरे एरिया में जहां जहां बैरिकेटिंग कल की गई थी वहां वहां बैरिकेटिंग तो नहीं है, लेकिन सोसाइटी के अंदर जाने वाली जहां पे ट्विन टावर था वहां पे जरूर बैरिकेटिंग की हुई है। मैं अपने जो मेरे बीजे हैं संदीप, मैं उनसे कोशिश करता हूं ये दिखाने की। सामने आप देखिए, सामने जो आप वो जो चादर देख रहे हैं सफेद रंग की, इसी के पास मलबा बिखरा हुआ है। अगर कोशिश करें देखने की कि अगर दिखा सके मेरे बीजे, तो मैं कोशिश करता हूं ये मलबा दिखाने की। इस ट्विन टावर का ये जो मलबा है ये यहां पर बिखरा हुआ है और लोग जो है वो इस मलबे को लेकर जो है काफी ज्यादा जो परेशान भी है कि इस मलबे को हटने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, जिसके चलते जो लोग हैं वो लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस मलबे को हटा लिया जाए। लेकिन क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, प्रशासन खुद कह चुका है कि 3 महीने का वक्त यहां पर लगेगा इस पूरे मलबे को हटाने को लेकर। मेरे बीजे कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो ट्विन टावर का मलबा दिखाएं। आप सामने देखिए, ट्विन टावर का मलबा है, लोग पानी यहां पर छिड़क रहे हैं ताकि जो मिट्टी जो उड़ रही है इस मिट्टी को रोका जा सके। फिलहाल जो प्रशासन ने यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और इसके लिए तमाम जगह बैरिकेटिंग्स की हुई है। सुरक्षा कर्मी यहां पे तैनात है, नोएडा पुलिस के कर्मी यहां पे तैनात है, और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी रजनीश जी, सुपर टेक को भ्रष्टाचार का अंजाम भुगतना पड़ा, क्या हम ये सोच सकते हैं या ये आशंका लगा सकते हैं कि अब सुपर टेक के और प्रोजेक्टों की भी जांच होगी? देखिए, सुपरटेक ने जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जो इमारत खड़ी की थी, जिस नींव पर वो इमारत खड़ी की थी वो ढाई गई, ये एक सबक है ना सिर्फ सुपरटेक को बल्कि उन तमाम बिल्डर्स को जो देश भर में और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो लोगों के सपने बेचते हैं। लोग जो है अपनी गाड़ी कमाई, जो पूरी जिंदगी की कमाई है, वो अपने घर खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन ऐसे बिल्डर जो लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है बिल्डर को, और साथ ही तमाम उन बिल्डर्स को एक सबक मिली है जो इस तरीके की काम करने की सोचते हैं या जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके लिए ये तमाम जो पूरा जो प्रकरण है, कल का जो पूरी घटना घटी है, कल का जो ट्विन टावर्स को जो ध्वस्त किया गया है, ये एक उनके लिए सबक है कि अगर
अगर वो कहीं भी लापरवाही करते हैं, कानूनों को ताक पर रखते हैं और लोगों के साथ धोखा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया रजनीश जी तमाम जानकारी देने के लिए। दादाजी ट्विन टावर नु बीते दिन ढह ढेरी कर दिया गया, मलबा चुकन दे विच 3 महीनों का समा दस्या जा रहा है।